से आ रही है जहां कानपुर ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा हुआ है। कानपुर ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा, दोस्तों ने रची थी हत्या की साजिश। लूट के इरादे से सुलाया मौत की नींद, दंपति और 12 साल के बेटे की हत्या की थी। दंपति और 12 साल के बेटे की हत्या हुई थी, लूट के इरादे से मौत की नींद सुलाया, दोस्तों ने रची थी हत्या की साजिश। ये जानकारी आ रही है। कानपुर में ट्रिपल मर्डर मामले को लेकर खुलासा हुआ है, दोस्तों ने ही हत्या की साजिश रची थी, ये जानकारी मिल रही है। और लूट के इरादे से ये वारदात जिसको अंजाम दिया गया, कानपुर से बड़ी जानकारी। ट्रिपल मर्डर मामले में दंपत्ति और 12 साल के बेटे की जो ट्रिपल हत्या हुई, उसमें जानकारी मिल रही है कि लूट के इरादे से इनकी हत्या की गई है। हिमांशु, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर थाना फजलगंज में 2 तारीख की सुबह में 3 लोगों की जो एक ही परिवार के थे, इनका मर्डर हुआ था और उसमें सनसनी इलाके में पूरी फैल गई थी। ये घटना का पुलिस ने आज सफलतापूर्वक अनावरण किया है। थाना फजलगंज और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने इस घटना में 2 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ अभी जारी है। घटना में मुख्य अभियुक्त गौरव शुक्ला रहने वाला इटावा का है और इसका साथी हिमांशु चौहान ये भी रहने वाला इटावा का है। ये दोनों बेरोजगार युवक थे और पहले दिल्ली में ये काम करते थे, जिसमें एक दूसरे से परिचय हुआ था।